चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी। ठीक है, तो हम लोग जो है आपका फ्रीक्वेंसी और जो है स्पीड के बीच में रिलेशन जानते हैं, और यहां पर हम लोग जो है एक दूसरे तरीके से, चूंकि हमें इंडक्शन मशीन पढ़ना है, ठीक है, तो मैं इंडक्शन मशीन का एग्जांपल लेके भी इस चीज को प्रूफ करता हूं। ठीक है, क्योंकि आप देखें इंडक्शन मशीन में क्या होगा कि स्टार्टिंग के समय जो है जो स्टेटर का जो है स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करे, स्टार्टिंग में रोटर रुका होगा तो रिलेटिव मोशन स्टार्टिंग में अलग होगा, तो स्टार्टिंग के समय जो फ्रिक्वेंसी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ होगी इंडक्शन मोटर में वो अलग होगी। लेकिन उसके बाद जैसे ही रोटर रोटेट करना स्टार्ट कर देगा तो आपका जो है जो रिलेट जो आपका जो है दैट इज नथिंग बट द आपका जो है जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो तो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करेगी, और जो रोटर होगा वो सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ा कम स्पीड से क्या करेगा रोटेट कर, उनके बीच जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो जब आपका जो है रोटर रनिंग कंडीशन में आ जाता है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोटर कंडक्टर आपका क्या हो जाता है, अलग हो जाती है। ठीक है, तो वो चीज हम लोग को जो है यहाँ पर समझना है, क्योंकि अभी मैं आगे चल के जब आपको वर्किंग पढ़ाऊंगा तो वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना कितना प्रोड्यूस होता है उनके फार्मूले भी लिखवाऊंगा, और फार्मूले में जब जो है रोटर रनिंग कंडीशन में है तब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अलग होगी, क्योंकि रिलेटिव मोशन आपका अलग होगा, रिलेटिव स्पीड अलग होगी, और स्टैंड स्टिल की कंडीशन पे आपका जो है रोटर और कंडक्टर के बीच जो रिलेटिव स्पीड होगी वो अलग होगी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ अलग होगा। ठीक है, तो उसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। समझने के लिए यहाँ पर मैं एक इंडक्शन मशीन का एग्जांपल ले रहा हूँ, और इस इंडक्शन मशीन के एग्जांपल में हम लोग मान के चल रहे हैं कि रोटर मेरा किस कंडीशन में है, आपका रुका हुआ है, फील्ड मेरी रोटेट कर रही है। ठीक है, फील्ड मेरी रोटेट कर रही है और रोटर मेरा हर एक समय कैसा रुका हुआ है, तो मैं आपके इंड्यूज ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूज ईएमएफ। ठीक है, सेम फार्मूला आएगा, उस फार्मूले को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं आपका फिगर बनाता हूँ। नाउ सेम चीज हम लोग करें, इसके बाद इंड्यूज ईएमएफ का फार्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे कि रोटेटिंग मशीन में इंड्यूज ईएमएफ जो आपका प्रोड्यूस होता है, चाहे डीसी मशीन हो, चाहे आपके पास इंडक्शन मशीन हो, चाहे आपके पास दैट इज नथिंग बट द सिंक्रोनस मशीन हो, तीनों जो भी रोटेटिंग मशीन होगी उसमें कंडक्टर में जब ईएमएफ इंड्यूज होगा तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इंड्यूज ईएमएफ। ठीक है, उसको हम लोगों को क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो पहले मैं इस टॉपिक को आपको समझाता हूं। समझाने के लिए मैं यहां पर आपका कौन सी मशीन कंसीडर करूं, इंडक्शन मशीन। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर ठीक है, सेम चीज को ड्राइव करने जाए दूसरे तरीके, लेट अस कंसीडर एन इंडक्शन मशीन, और इस मशीन में अभी हम लोग कितने पोल कंसीडर कर रहे हैं, हैविंग टू पोल्स कितने पोल्स कंसीडर कर, दो पोल की इंडक्शन मशीन कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब इंडक्शन मशीन में स्टेटर होगा और रोटर होगा। ठीक है, अब जो है हम स्टेटर में हम लोग सप्लाई देंगे, क्योंकि मोटर के केस के बारे में हम बात कर रहे हैं, मोटर के केस में। ठीक है, तो हम लोग स्टेटर में सप्लाई देंगे, जैसे ही थ्री फेज बैलेंस सप्लाई देंगे इमीडिएटली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने का मतलब जो स्टेटर में आपका मैग्नेट प्रोड्यूस हुआ है वो आपका क्या करेगा, रोटेट करेगा, फील्ड भी क्या करेगी, रोटेट करेगी। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द फिगर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए, और आपका जो रोटर है, रोटर हर समय आपका स्टेशनरी पोजीशन पे है। पिछली बार मैंने क्या माना था, हेलो, पीछे वाले केस में आपका दैट इज यहां पर आप देखेंगे फील्ड रुकी हुई थी, आपका रोटर या फिर कंडक्टर रोटेट कर रहा था। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, फील्ड को मैं रोटेट करा रहा हूं और कंडक्टर को स्टेशनरी मान रहा हूं, उसके लिए मैंने आपका इंडक्शन मशीन का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, चलो नाउ आई कैन बी कंसिडर स्टेटर, दिस इज योर स्टेटर, नाउ दिस इज योर स्टेटर।
नाउ ये आपका स्टेटर है, ठीक है, नाउ दिस इज योर स्टेटर, दिस इज योर स्टेटर। यहां पर थ्री फेज बैलेंस सप्लाई हम लोग इसको दे रहे हैं। स्टेटर में थ्री फेज बैलेंस सप्लाई हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज थ्री फेज एसी बैलेंस्ड सप्लाई। अगली बार से मैं सप्लाई नहीं दिखाऊंगा। नाउ दिस इज आर फेज, दिस इज वाई फेज एंड दिस इज बी फेज। थ्री फेज बैलेंस एसी सप्लाई हम लोग यहां पर क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। आर फेज, वाई फेज एंड दिस इज बी फेज। जैसे थ्री फेज बैलेंस एसी सप्लाई आप स्टेटर में देंगे, आपके स्टेटर में कितने पोल इंड्यूस होंगे, दो पोल होंगे, और आपके किस नेचर के होंगे, रोटेटिंग, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं दिस इज ए नॉर्थ पोल, दो पोल प्रोड्यूस होंगे, दिस इज योर नॉर्थ पोल एंड दिस इज योर साउथ पोल। ठीक है, और मान लेता हूं कि जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, दो पोल आपके जो है प्रोड्यूस होंगे, नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल, और ये जो आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपको दिखा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपकी ये जो फील्ड है वो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, हेडिंग कुछ नहीं है, सेम हेडिंग है कल वाली। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फील्ड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, चलो नाउ आई कैन बी कंसीडर ए रोटर, नाउ आई कैन बी कंसीडर ए रोटर विल बी देयर। नाउ दिस इज ए रोटर, ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है ये आपका क्या है, रोटर। दिस इज योर रोटर। ठीक है, रोटर में हम लोग एक कंडक्टर कंसीडर कर लेते हैं, नाउ आई कैन बी कंसीडर ए कंडक्टर, दिस इज ए कंडक्टर विल बी देयर। और रोटर आपका हमेशा स्टेशनरी है, रोटर इज ऑलवेज स्टेशनरी, मान लेता हूं इज ऑलवेज स्टेशनरी। इस कंडीशन में स्टेशनरी, हाँ कल क्लॉकवाइज रोटेट कराया था उससे निगेटिव आ जा रहा था इसलिए एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में, वो आपका जो है जो थ्री फेज सप्लाई आप करेंगे फेज सीक्वेंस में डिपेंड करेगा। आर वाई बी अप्लाई करेंगे तो क्लॉकवाइज, आर बी वाई अप्लाई करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों ने मान ली कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा। ठीक है, अच्छा आपका जो है मैग्नेट, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब जो मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, दो पोल प्रोड्यूस होंगे जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी और वो आपकी क्या करेगी, रोटेट। तो मैं मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन को दिखा दूं, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या होंगी, ओरिएंटेड होंगी। ठीक है, नाउ दिस इज नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ओरिएंटेड होंगी, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन। नाउ दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन नॉर्थ पोल से साउथ, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। ठीक है, चलिए अब यहां पर मैं दोनों एक्सेस भी आपको दिखा देता हूं। एक तो आपको मैंने बताया था कि जो एक्सेस आपके पोल के बीच से जाएगी दैट इज कॉल्ड नथिंग बट कॉल्ड द, उसको बोलते हैं पोलर एक्सेस या फिर डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, ये आपका इंस्टेंट वन है, दिस इज इंस्टेंट वन। ठीक है, अच्छा कंडक्टर रोटेट करे चाहे फील्ड रोटेट करे, तो आपका जो है यहाँ पर फील्ड रोटेट करेगी, फील्ड रोटेट करेगी तो कंडक्टर को कट करेगी, जब कंडक्टर को कट करेगी तो कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस ईएमएफ को हम निकालना चाहते हैं। दिस इज द इंस्टेंट वन, ये आपका एक पहला इंस्टेंट है और इसको हम लोग मान रहे हैं थीटा या फिर ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो डिग्री, दिस इज जीरो डिग्री। ठीक है, और आप देखेंगे कि अगर यहां मैं एक्सेस डिफाइन करूं तो पोल के बीच से जो एक्सेस जाएगी दैट इज नथिंग बट ये पोल कौन सी एक्सेस होगी, डी एक्सेस होगी। ठीक है, आपका जो कंडक्टर है वो डी एक्सेस के अलोंग रखा है, अगर कंडक्टर डी एक्सेस के अलोंग रखा है तो उसमें जो ईएमएफ होगा वो मैक्सिमम ईएमएफ क्या होगा इस समय प्रोड्यूस होगा, वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो नाउ दिस इज नथिंग बट द आपका ये कौन सी एक्सेस है, पोल के बीच से जो आपकी एक्सेस पास करती है उस एक्सेस को हम बोलते हैं दैट एक्सेस, ये एक्सेस आपकी डी एक्सेस होगी,
दिस इज द डायरेक्ट एक्सेस। पोल के बीच से जो एक्सेस जाएगी दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट एक्सेस। ये आपकी डायरेक्ट एक्सेस है पोल के बीच से। दिस इज डायरेक्ट एक्सेस या फिर पोलर एक्सेस, ठीक है। दिस इज द पोलर एक्सेस। और बेटा नेक्स्ट आपकी क्वाड्रेचर एक्सेस या फिर दैट इज कॉल्ड इंटरपोल। पोल के बीच से जो एक्सेस जाएगी, ये पोल है, इनके बीच से जो है जो एक्सेस जाएगी दैट इज क्वाड्रेचर एक्सेस। दो पोल के बीच में दिस इज द क्वाड्रेचर एक्सेस, ठीक है। हाँ, इज हियर रोटर, बिल्कुल रोटर स्टेशनरी लिखा हुआ है बेटा। यहाँ पर केवल फील्ड रोटेट करे, रोटर स्टेशनरी। रिलेटिव मोशन आपका क्या होगा, फील्ड को हम मान के चलेंगे भी एन स्पीड से रोटेट करे, एन माइनस जीरो विल बी देयर, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द क्वाड्रेचर एक्सेस। पोल के बीच से जो एक्सेस जाएगी उस एक्सेस को बोलेंगे दैट इज क्यू एक्सेस। ये पोल है, ये आपके पोल है, पोल के बीच से जो एक्सेस जाएगी सेंटर से, दिस इज कॉल्ड योर क्यू एक्सेस। क्यू एक्सेस या फिर इसको बोलते हैं इंटर पोलर एक्सेस। पोल के बीच से एक्सेस, इंटर पोलर एक्सेस। ठीक है, दिस इज योर इंटरपोलर एक्सेस। चलिए, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका जो कंडक्टर होता है वो आपकी पोलर एक्सेस या फिर डी एक्सेस में होता है तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो मैक्सिमम होता है। चलो निकालते हैं। अच्छा ये बताइए, जो ईएमएफ इंड्यूस, जब भी आप कंडक्टर को जो है मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, मूव कराते हैं, तो आपका जो है कंडक्टर फ्लक्स को कट करता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे तो आप जो फार्मूला क्या होता है इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला वी एल बी साइन थीटा होता है, जहां पर किसका मोशन देखते हैं, कंडक्टर का मोशन देखते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडक्टर तो स्टेशनरी है, कौन आपका मूव करा है, फील्ड मूव कर रही है। तो जब भी फील्ड मूव करेगी और आप वी एल बी साइन थीटा लगाना चाहते हैं तो आप फील्ड को रोक दीजिएगा और कंडक्टर को अपोजिट। आप देखेंगे हेलो कंडक्टर रुका है, फील्ड मूव कर रही है तो कटिंग होगी, या फिर आप क्या करिए फील्ड को रोक दीजिए, कंडक्टर को अपोजिट डैश में मूव कराइए। बात कैसे में, अगर आपका फील्ड रुकी है तो कंडक्टर को हम लोग क्लॉकवाइज डैश में रोटेट कराएंगे तो भी क्या होगी, कटिंग विल बी देयर, ठीक है। तो सेम चीज है कि जब भी फील्ड रोटेट करेगी तो फील्ड को रोक देंगे और कंडक्टर को अपोजिट डैश में मूव कराएंगे इंड्यूस ईएमएफ को निकालने के लिए। क्योंकि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को लगाने के लिए आपको किसका मोशन देखना होता है, कंडक्टर का मोशन देखना है। तो फील्ड आपकी एंटी क्लॉकवाइज डैश में रोटेट कर रही थी तो आपका जो कंडक्टर है वो किस डैश में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट, इस डैश में। दिस इज द मोशन ऑफ द कंडक्टर, दिस इज द मोशन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। फील्ड आपकी किस डायरेक्शन में है, नाउ फील्ड इज लाइक इन दिस डायरेक्शन। और हमेशा बी से वी का एंगल देखते हैं, फील्ड से हेलो वी और बी के बीच एंगल देखेंगे, हमेशा बी से एंगल देखते हैं वी का। मैग्नेटिक फील्ड से वेलोसिटी का एंगल देखेंगे, एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बी से वी का एंगल देखा जाता है और कितना एंगल है 90 डिग्री। तो व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस इंस्टेंट, इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज वी एल बी साइन 90। एंगल मैंने 90 इसलिए लिया है क्योंकि हमेशा मैं मैग्नेटिक फील्ड से आपका वेलोसिटी का एंगल देखूंगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है साइन की 90 की वैल्यू, साइन की 90 पे वैल्यू मैक्सिमम होती है तो दैट इज आएगा वी एल बी, और आपका साइन 90 मैक्सिमम है तो आपका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी कैसा आएगा, मैक्सिमम आएगा। और कैसा इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, पॉजिटिव इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा इस इंस्टेंट पे, ठीक है। दिस इज द इंस्टेंट नंबर वन, जब आपका जो है नॉर्थ पोल के अंडर पे मेरा कंडक्टर होगा तो उसमें जो है जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा और मैक्सिमम विल बी देयर। स्क्रीनशॉट लेना है तो लेते रहो भाई, यहीं तक इतना ही पढ़ाया, ठीक है। चलो अगर मैं डायरेक्शन दिखाना चाहूं कि मैं जो है जो आपका इंस्टेंट नंबर वन पे कंडक्टर में मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ होगा, करंट की डायरेक्शन, करंट के हिसाब से, अगर इंड्यूस करंट के हिसाब से मैं पोलैरिटी दिखाना चाहूं तो पोलैरिटी कैसी होगी, ये जो पॉजिटिव इंड्यूस ईएमएफ है इसमें जो करंट इंड्यूस करंट आएगा वो इन करेगा कि आउट करेगा, ठीक है। उसको निकालना चाहो तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज कर सकते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में क्या करते हैं, आप हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर रखेंगे या दैट इज द फोर फिंगर रखेंगे, मोशन की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे, तो जो आपका मिडिल फिंगर होगी वो करंट की डायरेक्शन में बताएगा। तो आप देखेंगे
आपका जो है ये फोर फिंगर को मैं रख रहा हूं, दैट इज नथिंग बट द किस डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन, फील्ड आपका नीचे की तरफ है, ठीक है। आपका मोशन कैसा हो रहा है बेटा, मोशन आपका क्लॉकवाइज हो रहा है। यहां पर देखिए फील्ड को मैंने नीचे रखा, मोशन आपका क्लॉकवाइज हो रहा है और मिडिल फिंगर आपकी अंदर की तरफ जा रही, तो दैट द क्रॉस। ये पॉजिटिव इंड्यूज ईएमएफ, इसमें जो इंड्यूज करंट फ्लो कराएगा वो कंडक्टर में अंदर की तरफ जाएगी, क्रॉस विल बी देयर, ठीक है। मतलब अगर क्रॉस आया कंडक्टर में तो वहां पर जो ईएमएफ होगा वो अंदर की तरफ करंट फ्लो कराएगा, ठीक है। और अगर अंदर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है तो ईएमएफ कैसा होगा, पॉजिटिव ईएमएफ विल बी देयर, ठीक है। नॉर्थ पोल के अंदर में जब कंडक्टर होगा तो उसमें पॉजिटिव इंड्यूज ईएमएफ होगा और इस पॉजिटिव इंड्यूज ईएमएफ की वजह से करंट आपके कंडक्टर में इन करेगा। अगर करंट की डायरेक्शन बदल गई तो इंड्यूज ईएमएफ को पोलैरिटी बदलनी पड़ेगी, डॉट में आपका आपका ईएमएफ निगेटिव आ जाएगा, अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला इंस्टेंट क्लियर है। इसके 90 डिग्री बाद जब फील्ड आपका जो है इस इंस्टेंट से 90 डिग्री क्या कर जाएगी, रोटेट करेगी। हाँ, इस बार मोशन एंटी क्लॉकवाइज है भाई, फील्ड का मोशन एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब भी फील्ड मूव करती है तो जब भी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाते हैं, फिर वीएलबी साइन थीटा लगाते हैं, तो कंडक्टर का मोशन देखते हैं। तो फील्ड अगर एंटी क्लॉकवाइज, तो फील्ड को मैंने रोक दिया। ये है भाई, देखो ये कंडक्टर का फील्ड आपका, कंडक्टर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मोशन, तो ये कंडक्टर को कट करेगा, ठीक है। या फिर ऐसा करो, फील्ड को रोक दो और कंडक्टर को क्लॉकवाइज मूव कराओ, तो भी तो कटिंग होगी, सेम चीज है ना। एक को रोकना है, दूसरे को मूव, अगर फील्ड तो आप देखेंगे वीएलबी लगाने की आपको कंडक्टर का मोशन देखना होता, तो कंडक्टर अगर फील्ड आपकी एंटी क्लॉक है तो कंडक्टर क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। करंट इन होगी, हाँ, तो करंट इन ही तो दिखाया भाई, क्रॉस दिखाया भाई, करंट इन मतलब क्रॉस दिखाया है। अगर आउट होता तो डॉट दिखाता। कहां भाई तुम लोग अपने सारे कॉन्सेप्ट भूल गए हो क्या है? तो क्यों बोल रहे हो भाई कि जो है करंट अन इन होगी, इन क्रॉस बनाया ना, कि क्रॉस बनाया इन हो रही है, ठीक है। चलिए अब हम इससे कितनी देर के बाद देख रहे हैं, कितने पोल की मशीन है, दो पोल की मशीन है, एक कंप्लीट रोटेशन देखना है, एक कंप्लीट रोटेशन बना लिया, आगे चल सकते हैं नाउ आफ्टर द 90 डिग्री, ठीक है। चलो अच्छा, यहां पर इंड्यूज में मैक्सिमम भी होगा, क्योंकि देखिए जरा आपका जो है जो मोशन है, हेलो, कंडक्टर का जो मोशन है फील्ड के परपेंडिकुलर है। अगर कंडक्टर का मोशन फील्ड के परपेंडिकुलर है तो कंडक्टर इन सारी फ्लक्स लाइन को कट करेगा। इफ देयर इज कटिंग ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन बाय द कंडक्टर, अगर कंडक्टर फ्लक्स को कट कर रहा है तो इंड्यूज ईएमएफ आएगा। अगर कट नहीं करेगा, अगर कंडक्टर का मोशन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा तो कटिंग नहीं होगी, तो इंड्यूज ईएमएफ नहीं होगा। यहां पर आप देखें दैट ये मैग्नेटिक फील्ड है, कंडक्टर का मोशन कैसा है, उसके परपेंडिकुलर, तो यहां लिख रहा हूं, इन दिस केस द मोशन ऑफ कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, सो दैट मैक्सिमम फ्लक्स कटिंग, मैक्सिमम फ्लक्स कटिंग, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मैक्सिमम, सो दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मैक्सिमम, और कैसा होगा, पॉजिटिव विल बी देयर, पॉजिटिव इसके 90 डिग्री बाद हम लोग बात करते हैं। आफ्टर 90 डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ फील्ड, जब फील्ड आपकी 90 डिग्री रोटेट कर जाएगी, जब फील्ड 90 डिग्री रोटेट कर जाएगी तो फील्ड यहां पर आ जाएगी, नॉर्थ यहां पर आ जाएगा, साउथ यहां पर आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर देखते हैं कि आपके कंडक्टर में कितना, एक कंप्लीट रोटेशन देखना है, फ्रीक्वेंसी के लिए नंबर ऑफ साइकिल्स पासिंग पर सेकंड, तो एक साइकिल आप देखनी है कि एक साइकिल कितने, आपका एक पूरी साइकिल के लिए जो इंड्यूज ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसा है, अल्टरनेटिंग है कि नहीं, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं, दैट इज आफ्टर
आफ्टर 90 डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ फील्ड। फील्ड जब 90 डिग्री रोटेट कर जाएगी तो फील्ड कहां पर आ जाएगी? नाउ यू कैन फील, नाउ दिस इज योर स्टेटर, और दिस इज द स्टेटर एंड दिस इज योर रोटर। का कंडक्टर रुका हुआ है, कंडक्टर आपका सेम पोजीशन पे है, नाउ दिस इज द कंडक्टर। और फील्ड आपकी 90 डिग्री रोटेट कर गई है, तो फील्ड पहले यहां पर थी इंस्टेंट वन पे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे 90 डिग्री रोटेट करेगी तो नॉर्थ यहां पर आ जाएगा और साउथ यहां पर आ जाएगा। ठीक है, फील्ड आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फील्ड अगर एंटी क्लॉकवाइज तो कंडक्टर हमेशा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, नाउ ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। नाउ आफ्टर 90 डिग्री बाद फील्ड आपकी यहां पर आ जाएगी। ठीक है, नाउ फील्ड इज लुकिंग लाइक दिस। और आपका फील्ड का ओरिएंटेशन कैसा होगा? फील्ड हमेशा नॉर्थ पोल से किसकी तरफ आपकी ओरिएंटेड होती? साउथ पोल। दिस इज द नॉर्थ पोल से साउथ पोल। नाउ दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ द फील्ड। इस केस में डायरेक्ट एक्सेस क्या होगी? हेलो, डायरेक्ट एक्सेस क्या होगी? जो आपकी एक्सेस पोल के सेंटर से पास करेगी, पोल आपके यहां पर है, पोल के सेंटर से जो पास करेगी दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस। तो दिस इज द डायरेक्ट एक्सेस। हेलो, ये आपकी डायरेक्ट एक्सेस है, बना रहा हूं, पोल के सेंटर से जो एक्सेस पास करेगी दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस। ये आपकी डायरेक्ट एक्सेस है, दिस इज योर डायरेक्ट एक्सेस, या फिर इसको बोलेंगे पोलर एक्सेस। क्योंकि फील्ड मूव कर रही हो तो इसलिए एक्सेस भी मूव करेगी। और बेटा पोल के बीच से जो पास करेगी, बीच एक्सेस पास करेगी दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेचर एक्सेस। कल जो है आपका फील्ड रुकी हुई थी इसलिए डायरेक्ट और क्वाड्रेचर एक्सेस फिक्स थे, लेकिन आप देखेंगे दो पोल के लिए बात कर रहे हैं अभी, ये क्वाड्रेचर एक्सेस है या फिर इंटरपोलर एक्सेस। ये कौन सी एक्सेस है? दिस इज द क्यू एक्सेस और इंटरपोलर एक्सेस, इंटरपोलर एक्सेस। ठीक है, ये आपका इंस्टेंट नंबर टू है, इंस्टेंट नंबर टू। कितनी डिग्री के बाद देख रहे हैं? 90 डिग्री के बाद, 90 डिग्री पर आपका कंडक्टर में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? ठीक है, चलो आपकी फील्ड आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो कंडक्टर आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। हेलो, कंडक्टर क्लॉकवाइज। हेलो, फील्ड आपकी कैसे मूव कर रही है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। तो कंडक्टर का मोशन फील्ड को रोकेंगे, कंडक्टर आपका कैसे मूव करेगा? क्लॉकवाइज में, कंडक्टर का मोशन सेम है। नाउ दिस इज द वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर। फील्ड का ओरिएंटेशन कैसा बेटा? फील्ड का ओरिएंटेशन आपको दिख रहा होगा, द ओरिएंटेशन ऑफ द फील्ड इज लाइक दिस। ठीक है, आप देखेंगे जो कंडक्टर है इस बार फील्ड की पैरेलली मूव कर रहा है, तो कटिंग तो होगी नहीं, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा? जीरो। और मैंने आपको बताया था कि अगर कंडक्टर आपका इंटरपोलर एक्सिस के अलोंग होगा तो आपका जो है इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा? जीरो होगा। इस बार एंगल अगर पूछेंगे तो एंगल जीरो डिग्री होगा, क्योंकि वीएलबी लगाने के लिए आपको कंडक्टर का मोशन चाहिए, फील्ड का मोशन नहीं चाहिए। फील्ड आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे तो कंडक्टर आपका क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो मतलब आप मान सकते हैं कंडक्टर है फिर रोटर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है मतलब दिस इज द मोशन। अगर कंडक्टर यहां पर तो इसका मोशन ऐसा होगा, दिस इज द कॉल्ड क्लॉकवाइज मोशन, दिस इज क्लॉकवाइज मोशन। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट यहां पर आप देखेंगे इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, That is VLB sine zero degree. That is equal to zero. और induced EMF कैसा होगा? Minimum होगा इस बार. Zero will be there. Induced EMF zero होगा. क्यों होगा induced EMF zero? आप बता सकते हैं that is nothing but the conductor is moving parallel to field,
सो दैट नो फ्लक्स कटिंग टेक प्लेस. कंडक्टर कोई फ्लक्स ही नहीं कट करेगा, हेंस इंड्यूस्ड ईएमएस इज जीरो. ठीक है, 90 डिग्री बाद आपका जो फील्ड है वो आपका 90 डिग्री रोटेट कर जाएगी, और 90 डिग्री रोटेट करने के बाद जो कंडक्टर डायरेक्ट एक्सेस यहां पर आएगा, और कंडक्टर मेरा इंटरपोलर एक्सेस में आ जाएगा, इंटरपोलर एक्सेस में आ जाएगा. नेक्स्ट केस नंबर सी. अब 180 डिग्री इंस्टेंट नंबर वन से 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब कि नॉर्थ पोल यहां पर आ जाएगा और साउथ पोल आपका मूव करके यहां पर पहुंच जाएगा. और आप देखेंगे जब नॉर्थ पोल यहां आ जाएगा साउथ पोल, तो फिर से आपका जो कंडक्टर है वो किस एक्सेस में आ जाएगा, आपका पोलर एक्सेस में आ जाएगा, और इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम होगा, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में होगा. ठीक है, नाउ दिस इज, बनाइए जल्दी से. इतना एक कंप्लीट रोटेशन आपको दिखा रहा हूं. चलिए हो गया, आगे चले. पहले यार तुम लोग जो अपने कैमरे खोलो, तुम लोग कैमरे बहुत बंद करते हो ना, तो मैं भी अपना कैमरा बंद कर दूं. चलो कोई बात नहीं, मैं भी बंद कर देता हूं. चलो ऐसे पढ़ो. आप कैसा लग रहा है? अच्छा फील आ रहा है? फीलिंग गुड? कैमरा ओपन रखा करो, मोटिवेशन रहता है. ठीक है, चलो. नाउ नेक्स्ट, दैट इज आफ्टर 180 डिग्री ऑफ रोटेशन. After 180 degree of rotation of field, field जब आपकी 180 degree क्या कर जाएगी, rotate कर जाएगी. ठीक है, field आपकी 180 degree rotate कर जाएगी, तो कुछ ऐसा figure आ जाएगा. Now this is nothing but the stator and this is your rotor. आपकी जो फील्ड है वो आपकी 180 डिग्री रोटेट कर रही है, और नॉर्थ पोल यहां पर आ गया रोटेट करके, और साउथ पोल यहां पर चला गया. फील्ड इज रोटेटिंग लाइक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. कंडक्टर आपका फिक्स्ड है लाइक दिस. Now this is the conductor. Conductor किस एक्सेस में आएगा? चलो आपकी मैग्नेटिक फील्ड मूव करके यहां पर आ गई है. ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट ये कौन सी एक्सेस कहलाएगी? दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस. पोल के सेंटर से जो एक्सेस जाती है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सेस बोलते हैं. नाउ दिस इज द डायरेक्ट एक्सेस. पोल मूव कर रहे हैं तो एक्सेस भी मूव करेंगे. दिस इज डायरेक्ट एक्सेस और डी एक्सेस या फिर पोलर एक्सेस. और बेटा सेंटर के बीच से जो एक्सेस जाएगी दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रेचर एक्सेस या फिर इंटरपोलर एक्सेस. नाउ दिस इज योर इंटरपोलर एक्सेस. कंडक्टर आपका पोलर एक्सेस पे है. दिस इज क्यू एक्सेस और इंटरपोलर एक्सेस. ठीक है, चलो अब आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, तो हम फील्ड को रोक देंगे. फील्ड आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो कंडक्टर आपका या फिर रोटर आपका क्लॉकवाइज एक्सिस में मूव करेगा. चलो फील्ड का ओरिएंटेशन मैं दिखा देता हूं. पहले फील्ड का ओरिएंटेशन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगा. फील्ड का ओरिएंटेशन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगा. नाउ दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ द फील्ड. फील्ड हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करेगी. नाउ दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ द फील्ड. Now this is the orientation of the field. चलो अब आपको induced EMF देखना है, तो कंडक्टर का मोशन देखेंगे. तो फील्ड आपके एंटी क्लॉक, तो कंडक्टर क्लॉकवाइज आ जाएगा. कंडक्टर का बेटा मोशन ये है, ये कंडक्टर का मोशन है,
और फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। इस बार देखिए फील्ड की डायरेक्शन, इंडक्शन मशीन में स्टार्टिंग में कंडक्टर रोटर स्टेशनरी होता है और उसके बाद रोटर रोटेट करता है। तो अभी हम मान के चल रहे कि रोटर स्टेशनरी कंडीशन में है, मुझको मालूम है दोनों मूव करता है, भाई क्यों परेशान हो रहे हो, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है मुकेश, टी मुकेश, ठीक है। हाँ चलिए, नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जब थोड़ा सा कुछ आ जाता है लड़कों को तो उचकने लगते हैं। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है। हमेशा जो है बी और वी के बीच का एंगल देखते हैं, जरा एंगल देखो जरा वी और बी के बीच का एंगल। इस बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री, क्लॉकवाइज एंगल को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी एल बी साइन माइनस 90। तो इंड्यूस तो मैक्सिमम है लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम है, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द माइनस वी एल बी, मैक्सिमम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, बट इन अपोजिट डायरेक्शन मतलब पोलैरिटी चेंज, निगेटिव वोल्टेज का पोलैरिटी चेंज करनी पड़ेगी तो करंट की डायरेक्शन पलट जाएगी। पिछली बार जब मैक्सिमम था पॉजिटिव था तो क्या था, क्रॉस आया था। इस बार डायरेक्शन पोलैरिटी चेंज करेंगे तो करंट की डायरेक्शन मतलब इस बार क्या होगा, करंट निकलेगा बाहर मतलब डॉट आएगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ कैसा है, मैक्सिमम, ठीक है। चलो देख लेते हैं डॉट आता है कि नहीं आता। उसके लिए क्या करेंगे, फील्ड आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, आपका कंडक्टर का मोशन आपका क्या है, दैट इज नथिंग बट द क्लॉकवाइज डैश में है। और आप देखेंगे मेरी मिडिल फिंगर कहां पर जा रही है, आप बाहर की तरफ, मेरी तरफ आ रही, बाहर की तरफ आ रही है, दिस इज नथिंग बट द आउट। आप अपनी कॉपी में रख के देखेंगे डॉट आएगा इस बार, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ की पोलैरिटी बदल गई है, अपोजिट हो गई, पहले से अपोजिट हो गई तो करंट की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी। इस बार डॉट, दैट इज द डॉट विल बी देयर। और आप देखें मैक्सिमम कटिंग हो रही है, जो आपका कंडक्टर का मोशन है वो आपका फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो मैक्सिमम फ्लक्स कटिंग होगी, तो इसलिए इंड्यूस ईएमएफ भी रिवर्स डायरेक्शन में कैसा है, मैक्सिमम विल बी देयर, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ में अभी आपको जो है आपका इक्वेशन प्रूव कराऊंगा, वहां भी ये सारी चीजें आपको यूज आएंगी, ठीक है। घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका इंस्टेंट नंबर थीम था, इंस्टेंट नंबर थीम, और ये कितने एंगल पे हम बात कर रहे हैं, ओमेगा टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहले वाले इंस्टेंट को 0 डिग्री माना था, उससे 180 डिग्री बाद तीसरा इंस्टेंट है। चौथे इंस्टेंट में बात करते हैं, क्या आपने बना लिया, अब हमारा रोटर 270 डिग्री रोटेट कर गया, ठीक है। टू पोल की मशीन के लिए बात कर रहे हैं। अब जब 270 की बात करेंगे तो नॉर्थ पोल यहां पर आ जाएगा, साउथ पोल यहां पर आ जाएगा, और फिर से कंडक्टर मेरा इंटरपोलर एक्सेस में आ जाएगा, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस में, तो इंड्यूस ईएमएफ जीरो हो जाएगा क्योंकि कंडक्टर फील्ड के पैरेलल मूव करेगा। चलो आफ्टर बना लिया है, आगे चल सकते हैं, बना लिया आप लोगों ने, भाई बताते तो जाओ तुम लोग यार, चले आ जाओ। आफ्टर 270 डिग्री रोटेशन ऑफ फील्ड, उस 70 डिग्री रोटेशन के बाद क्या होगा, नाउ दिस इज द स्टेटर एंड दिस इज द रोटर, नाउ दिस इज योर स्टेटर एंड दिस इज योर रोटर, ठीक है। चलो नाउ 270 के बाद नॉर्थ पोल यहां पर आ जाएगा और साउथ पोल यहां पर आ जाएगा मूव करके, और फील्ड आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, और नाउ दिस इज योर कंडक्टर,
ठीक है चलो। नाउ फील्ड का ओरिएंटेशन हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगा। नाउ दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ द फील्ड। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल बी देयर। और इस बार डायरेक्ट एक्सेस जो पोल के बीच से जो एक्सेस होके जाती है उसको डायरेक्ट एक्सेस, नाउ दिस इज योर डायरेक्ट, पोल के सेंटर से पास होने वाली एक्सेस को डायरेक्ट एक्सेस बोलते हैं। ये सब सीखते चाहिए क्योंकि आपको जो है डीसी मशीन में इसका यूज होगा जब आर्मेचर रिएक्शन पढ़ेंगे, दैट इज डायरेक्ट एक्सेस या फिर पोलर एक्सेस। और क्वाड्रेचर एक्सेस क्या होती है, पोल के बीच से, पोल है ना, पोल के बीच से एक्सेस को ये जा रही है, पोल के बीच से, दिस इज द क्यू एक्सेस, और इसको बोल सकते हैं इंटर पोलर एक्सेस, दिस इज योर इंटर पोलर एक्सेस विल बी देयर। ठीक है चलो, अब आप देखेंगे आपका जो है फील्ड आपकी एंटी क्लॉकवाइज एक्सिस में रोटेट कर रही है, तो आपका जो कंडक्टर होगा कंडक्टर फिर रोटर आपका क्लॉकवाइज रोटेट कर, क्लॉकवाइज रोटेट करने का मतलब कंडक्टर का मोशन इज लाइक दिस, दिस इज द मोशन ऑफ द कंडक्टर। और फील्ड का ओरिएंटेशन कैसा है, नाउ दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ द फील्ड। व्हाट द एंगल बिटवीन, दैट इज एंगल विल बी 180 डिग्री, 180 डिग्री विल बी देयर। ठीक है, और आप बोल सकते हैं सर जो है आपने इसको क्लॉकवाइज मेजर किया तो -180 डिग्री है, साइन 180 या फिर साइन -180 डिग्री, बोथ विल बी सेम, 0 डिग्री विल बी देयर। तो आपके कंडक्टर में कोई भी इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा क्योंकि कंडक्टर जो है फील्ड के पैरेलल ही मूव कर रहा है, ये फील्ड इसके पैरेलल, तो कटिंग होगी नहीं तो इंड्यूस ईएमएफ 0 हो जाएगा इस इंस्टेंट में। नाउ दैट इज इक्वल टू वी एल बी साइन, बी से वी का एंगल देखते हैं और ये क्लॉकवाइज एंगल, इसलिए मैं इसको -180 डिग्री लिख देता हूं। और बेटा साइन माइनस थीटा आपका माइनस साइन थीटा होता है, और बेटा 180 डिग्री की वैल्यू 0 डिग्री होती है, तो आपका इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा 0 जो कि मिनिमम है। इंटरपोलर एक्सेस में आपका कंडक्टर में कोई भी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता, नो कटिंग नो ईएमएफ। नेक्स्ट मंथ आपका डीसी में स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, अब जो है एक बार जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। ठीक है, अब जो है 15 से 20 दिन में आपका इंडक्शन खत्म हो जाएगा। हो गया क्या, दिस इज योर इंस्टेंट नंबर 4। और यहां पर हम बात कर रहे हैं That is theta फिर omega t is equal to 270 डिग्री पे। और फिर से आपका 360 डिग्री में फिर से आपका नॉर्थ यहां पर आ जाएगा और साउथ यहां पर आ जाएगा सेम पोजीशन पे, और फिर से इंड्यूस ईएमएफ आपका मैक्सिमम हो जाएगा। चलो, मेरे ख्याल से तुम लोगों ने बना लिया होगा। चलो, आपका आफ्टर 360 रोटेशन आफ्टर 360 डिग्री और रोटेशन ऑफ द फील्ड, फील्ड जब आपका 360 डिग्री रोटेट करेंगे मतलब एक कंप्लीट रोटेशन विल बी कंप्लीटेड। नाउ दिस इज योर स्टेटर, दिस इज योर स्टेटर
एंड दिस इज योर रोटर। नाउ दिस इज नथिंग बट द 360 डिग्री के बाद नॉर्थ पोल यहीं पर आ जाएगा और साउथ पोल यहीं पर आ जाएगा और नाउ दिस इज योर कंडक्टर। ठीक है, और आपकी जो फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। नाउ दिस इज योर डायरेक्ट एक्सेस, पोल के सेंटर से जो एक्सेस पास करती है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सेस बोलते हैं। दिस इज योर टी एक्सेस और पोलर एक्सेस। और बेटा पोल के सेंटर से जो एक्सेस पास करती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेचर एक्सेस। या फिर दिस इज कॉल्ड इंटर पोलर एक्सेस। नाउ फील्ड का ओरिएंटेशन हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा। नॉर्थ से साउथ की तरफ, और जब भी आपका कंडक्टर पोलर एक्सेस में पाया जाएगा तो मैक्सिमम फ्लक्स कटिंग होगी, तो मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ होगा। चलो, क्योंकि फील्ड आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही, तो आपका कंडक्टर, क्योंकि आपको जब भी जो है वीएलबी लगाने, तो कंडक्टर का मोशन, ये कंडक्टर का मोशन है, एंड फील्ड का मोशन या फिर फील्ड आपके किस डायरेक्शन में है, दिस इज नथिंग बट द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और बी से वी का एंगल देखेंगे, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो दिस इज इंड्यूस ईएमएफ इज नथिंग बट इक्वल टू वीएलबी साइन थीटा, VLV sin 90 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव एंगल है, और अगेन आपका ईएमएफ कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ। और आप देखेंगे नॉर्थ पोल के अंदर पे कैसा होगा बेटा, क्रॉस, मैंने बनाया था यहां पर क्रॉस, करंट अंदर जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। देखो साउथ पोल के अंदर में, साउथ पोल के अंदर में, साउथ पोल के अंदर में जब कंडक्टर आता है तो उसमें डॉट है, और नॉर्थ पोल के अंदर में आता है तो दैट इज द क्रॉस विल बी देयर। आपकी जब तक पोलैरिटी बदलेगी नहीं इंड्यूस ईएमएफ की, तो करंट की डायरेक्शन बदलेगी नहीं। इसलिए अगर डॉट और क्रॉस, अगर एक जगह डॉट है तो एक जगह इंड्यूस ईएमएफ पॉजिटिव होगा, और एक जगह अगर क्रॉस है तो आपका इंड्यूस ईएमएफ आपका पोलैरिटी बदल देगा। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज द इंस्टेंट नंबर 5। इंस्टेंट नंबर 5 ये आपका थीटा इज इक्वल टू या फिर ओमेगा टी इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक रोटेशन कंप्लीट हो गया। अब मैं इंड्यूस ईएमएफ की वेवफॉर्म ड्रॉ कर सकता हूं, और इंड्यूस ईएमएफ अल्टरनेटिंग नेचर का आएगा। रोटेटिंग मशीन में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है कंडक्टर में, वो आपका साइनोसोइडल होता है। साइनोसोइडल मीन साइन या फिर कॉस दोनों होता है। साइनोसोइडल का मतलब हमेशा साइन नहीं बोलते, साइन भी हो सकता है और कॉस भी हो सकता है, बात एक ही है, दोनों का नेचर सेम है। चाहे साइन से आप चीजें करिए चाहे कॉस से करिए, बात एक ही आती है, रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं आता है। चलिए अब मैं इंड्यूस ईएमएफ दो पोल की मशीन के लिए एक कंप्लीट रोटेशन पे, जब एक कंप्लीट रोटेशन होगा रोटर का, तो कितनी आपका जो है साइकिल पास होंगी, साइकिल फ्रीक्वेंसी के लिए साइकिल पर सेकंड देखना है। चलिए हो गया। चलिए नाउ दो पोल के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। This is omega t और this is induced EMF, this is the E. Now first instant 0 degree पे बात किया था, second instant 90 degree पे बात किया था, third instant 180 degree पे था, fourth instant 270 degree पे था,
एंड दैट इज फिफ्थ टेंशन, दैट इज द 360. और 360 डिग्री पे एक कंप्लीट रोटेशन विल बी देयर, दिस इज द 1 कंप्लीट रोटेशन. एक कंप्लीट, अगर दो पोल की मशीन है, दिस इज फॉर 2 पोल मशीन. अगर दो पोल की मशीन 0 डिग्री पे जो इंड्यूस ईएमएफ था वो मैक्सिमम था, कितना था? वी एल बी. 90 डिग्री पे इंड्यूस ईएमएफ 0 था, ठीक है. 180 डिग्री पे माइनस वी एल बी था. अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम था माइनस वी एल बी. 270 पे फिर से इंड्यूस ईएमएफ घट के 0 हो गया था. और 360 डिग्री पे फिर से इंड्यूस ईएमएफ कितना था? मैक्सिमम था, दैट इज वी एल बी. और सारे पॉइंट को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे दिस इज नथिंग बट द अल्टरनेट नेचर का इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. इसकी इक्वेशन क्या होगी? अभी इक्वेशन ड्राइव करते हैं. नाउ दिस इज नथिंग बट द, दिस इज द वेवफॉर्म, ठीक है. तो अगर दो पोल की मशीन है तो दो पोल की मशीन में जब एक कंप्लीट रोटेशन होगा तो कितनी साइकिल आएंगे इंड्यूस ईएमएफ की? एक ही साइकिल आएगी, दैट इज पोल डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 1 साइकिल, ठीक है. अगर मान ली चार पोल की मशीन होगी तो दो साइकिल आएंगी. चार पोल के लिए मैं डायरेक्ट बना देता हूं, ठीक है. चार पोल के लिए दिस इज फॉर 2 पोल. अब हम लोग डायरेक्ट चीजें करेंगे. साउथ पोल, हेलो, साउथ पोल के अंदर देखो, नॉर्थ पोल के अंदर हमेशा क्या होगा? क्रॉस होगा. हेलो, नॉर्थ पोल के अंदर क्रॉस होगा और बेटा पॉजिटिव इंड्यूस ईएमएफ होगा मैक्सिमम. और साउथ पोल के अंदर हमेशा क्या बना देंगे? डॉट बना देंगे. और दैट इज कैसा इंड्यूस ईएमएफ होगा? माइनस वी एल बी. अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या होने वाला है? दैट इज मैक्सिमम. चलो अब हम बात करते हैं 4 पोल की मशीन की. फॉर 4 पोल मशीन क्या बना लिया आपने इंड्यूस ईएमएफ की वेवफॉर्म, ठीक है. नेक्स्ट, नाउ आई कैन बी कंसीडर 4 पोल मशीन. फॉर 4 पोल मशीन तो मैं एक ही फिगर बना रहा हूं, दिस इज द 4 पोल और दिस इज स्टेटर. This is the rotor. Now this is your stator. ये आपका स्टेटर है. Now this is your rotor. मैंने स्टेटर में 4 पोल डिजाइन किए. पोल डिजाइन करना मैंने आपको बताया है. Now this is north pole, साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल, ठीक है. नाउ दिस इज द 4 पोल मशीन विल बी देयर, ठीक है. डायरेक्ट एक्सेस क्या होगी बेटा? पोल के सेंटर से जो एक्सेस पास करते हैं उसको डायरेक्ट एक्सेस बोलते हैं. ये दोनों डायरेक्ट एक्सेस, पोल के सेंटर से जो एक्सेस पास करती है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सेस बोलते हैं. और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है आपका, जो है जो फील्ड है वो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है? दैट इज मान के चल रहे हैं दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें. फील्ड विल बी रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. लेकिन वीएलबी लगाने के लिए आपको जो है कंडक्टर का मोशन देखना होगा. सर नीचे कर दीजिए, क्या अभी नहीं बना पाए हो? हो गया? चलो आ जाओ. नाउ दिस इज नथिंग बट द, दिस इज योर कंडक्टर. चलो पहले डायरेक्ट एक्सेस बनाए. दिस इज द डी एक्सेस. डी एक्सेस या फिर इसको बोलते हैं पोलर एक्सेस.
पोलर एक्सिस। पोल के बीच से जो एक्सिस जाएगी उसको हम बोलेंगे पोलर एक्सिस या फिर डायरेक्ट एक्सिस, डायरेक्ट एक्सिस और पोलर एक्सिस। और बेटा दैट इज नथिंग बट द पोल, ये दो पोल है, पोल के बीच से जो एक्सिस जाएगी दैट इज नथिंग बट कॉल्ड द क्वाड्रेचर एक्सिस। ये दो पोल है, पोल के बीच से जो एक्सिस जाएगी तो दिस इज नथिंग बट द क्वाड्रेचर एक्सिस। क्वाड्रेचर एक्सिस क्वाड्रेचर एक्सिस या फिर इंटरपोलर एक्सिस। दिस इज योर इंटरपोलर एक्सिस। पोल के बीच से जो एक्सिस जाएगी, पोल के बीच से, ये पोल के बीच से जो एक्सिस जाएगी दैट इज क्वाड्रेचर। इस बार आपके 9 इंस्टेंट हमें देखने पड़ेंगे। दिस इज द फोर पोल की मशीन के क्वाड्रेचर एक्सिस और इंटर पोलर एक्सिस। चलो फील्ड लाइन भी आपको दिखा देता हूं, ठीक है। जो फील्ड लाइन होती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ओरिएंटेड होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ओरिएंटेड होती है, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द नॉर्थ पोल से निकलेंगे और साउथ पोल की तरफ ओरिएंटेड होगी। नाउ दिस इज द फील्ड लाइन। दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ द फील्ड लाइन, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। आपको मैं ये भी दिखा दूंगा कि वीएलबी लगेगा, हर जगह वीएलबी लगेगा। नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल की तरफ ओरिएंटेड होती है। फोर्थ पोल की मशीन में आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है वो अपने पाथ को इस तरह से कंप्लीट करेगी, एयर में ऐसे पास करेगी और कोर के अंदर ऐसे, पूरी कंप्लीट लाइन होगी। कंप्लीट यहां नहीं दिखाया है, कोर के थ्रू अपने पाथ को कंप्लीट करेगी। नाउ दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ द फ्लक्स लाइन इज लाइक दिस। चलो नाउ दिस इज योर कंडक्टर, दिस इज योर कंडक्टर, ठीक है। दिस इज योर कंडक्टर विल बी देयर। दिस इज योर कंडक्टर, ठीक है। कल वाला पीडीएफ भेज दें, ठीक है। चलो चलो फील्ड आपकी एंटी क्लॉकवाइज डैश में रोटेट कर रही है। अगर वीएलबी लगाना है तो कंडक्टर को क्लॉकवाइज डैश में रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। कंडक्टर को क्लॉकवाइज, फील्ड को मैंने रोका, कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। ध्यान से देखेगा, कंडक्टर इज मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर या फिर कंडक्टर का मोशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पहले इंस्टेंट पे ये इंस्टेंट नंबर वन है, ठीक है। अब देखो फील्ड को दिखाना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैं कंडक्टर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता जाऊंगा। पहले इंस्टेंट में कंडक्टर यहां पर, दूसरे इंस्टेंट में यहां पर, तीसरे इंस्टेंट में यहां पर, चौथे इंस्टेंट में यहां पर, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें और फिर नौवें, ठीक है। क्योंकि अगर फील्ड आपकी एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रही है, ठीक है, तो आप कंडक्टर को क्लॉकवाइज डैश में रोटेट करें। बात देखें, फील्ड को रोक दीजिए तो जब कंडक्टर मूव करते हो फ्लक्स कटिंग होगी। तो देखने के लिए सेम चीज है, ठीक है। कंडक्टर में दिखा देता हूं, पहले कंडक्टर यहां पर है, फिर कंडक्टर जब यहां आ जाएगा तो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलो ये आपका जीरो डिग्री है, पहले इस पोजीशन पे है कंडक्टर, दिस इज द इंस्टेंट वन। फिर 45 डिग्री बाद रोटेशन के बाद कंडक्टर यहां आ जाएगा, फिर
कंडक्टर यहां आ जाएगा, फिर कंडक्टर यहां आ जाएगा, फिर कंडक्टर यहां, लाइक समथिंग पोलर एक्सिस। ठीक है, चलो बनाए। चलो इंड्यूस ईएमएफ में आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं वेवफॉर्म बना रहा हूं फोर पोल के लिए, फोर पोल के लिए इंड्यूस ईएमएफ की वेवफॉर्म ड्रॉ कर। इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस। ठीक है, चलो यहां मैं इंस्टेंट बना रहा हूं, ये पहला इंस्टेंट है, दिस इज जीरो डिग्री। ठीक है, दिस इज जीरो डिग्री। जीरो डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, 225 डिग्री, क्योंकि ये सारे एंगल 45, ये जीरो डिग्री है, ये 45 डिग्री का एंगल है, मतलब यहां पर फिर 45 डिग्री, 90 पे आ जाएंगे, फिर 45, 135, फिर 45 डिग्री आगे रोटेट करेंगे तो आ जाएंगे 200, 180 पे आ जाएंगे, फिर 225 पे आ जाएंगे, फिर 45 डिग्री रोटेट करेंगे 270 पे आ जाएंगे, फिर 315 और फिर 360, एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा। दिस इज योर वन कंप्लीट रोटेशन फोर पोल के लिए, वन कंप्लीट रोटेशन। कितनी साइकिल आएंगी फोर पोल के लिए, फॉर फोर पोल मशीन। चलो ये बताओ, जीरो डिग्री पे इस इंस्टेंट में आपका जो कंडक्टर है वो किस एक्सेस में है, ये आपका डायरेक्ट एक्सेस में है। तो इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम नॉर्थ पोल के नीचे ना, तो यहाँ पर क्रॉस होगा और आपको पॉजिटिव इंड्यूस ईएमएफ, इसको दिखा भी सकता हूं। देखिए वेलोसिटी आपकी ये है, कंडक्टर आपका क्लॉकवाइज, फील्ड आपकी एंटीक्लॉक, तो कंडक्टर क्लॉकवाइज होगा। फील्ड की डायरेक्शन कैसी, हेलो फील्ड की डायरेक्शन देखो, ये फील्ड नॉर्थ पोल से फील्ड निकल रहे, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और आप देखें इनके बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री, एंटी क्लॉक वाइज है, तो मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ होगा। फील्ड की डायरेक्शन देखो भैया, यहाँ पर नीचे की तरफ है, ये कंडक्टर का मोशन है, ठीक है, दैट इज बी, और ये आपका एंटी क्लॉक 90, दैट इज वी एल बी, आपका जीरो डिग्री पे या फिर इंस्टेंट वन पे जो इंड्यूस ईएमएफ है वो मैक्सिमम होगा वी एल बी। ठीक है, चलो 45 डिग्री, अब फील्ड को देखो रोटेट कराना जो है, या फिर फील्ड 45 डिग्री बाद ये नॉर्थ पोल यहां पर आ जाएगा, तो उससे अच्छा है कि फील्ड ना घुमा के मैं कंडक्टर घुमा देता हूं, आपको समझ में जल्दी आ जाएगा, बाकी बात सेम है। अब दूसरा फिगर बनाएगा, नॉर्थ यहां पर आ जाएगा, एस वन यहां पर आ जाएगा, एन टू यहां आ जाएगा, लाइक समथिंग विल बी, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, एक्सेस चेंज हो जाएंगे। अच्छा, 45 डिग्री बाद जो कंडक्टर है वो आपका क्लॉकवाइज है ना, तो कंडक्टर यहां आ जाएगा, यहां पर देखिए कंडक्टर, कंडक्टर आपका किस एक्सेस में आ जाएगा, कंडक्टर आ जाएगा आपका इंटरपोलर एक्सेस में। ठीक है, दिस इज द इंटरपोलर, कंडक्टर का मोशन ये है। फील्ड देखिए जरा, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड, तो इस 45 डिग्री पे फील्ड की डायरेक्शन ये है, क्या दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इंटरपोलर एक्सेस में कटिंग नहीं होती, इंड्यूस ईएमएफ जीरो होता है। देखो जब ये कंडक्टर यहां आ जाएगा, मैं आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है, बना के दिखाता हूं, यहां पर देखिएगा कंडक्टर इज मूविंग लाइक दिस, 45 डिग्री बाद जब कंडक्टर 45 डिग्री मूव करेगा तो इंटरपोलर एक्सिस में आएगा, कंडक्टर यहां पर आ जाएगा। नाउ दिस इज योर कंडक्टर, आपको दिखाने के लिए मैं जरा इसको वेलोसिटी को हटा देता हूं, यहां पर कटिंग हो गई क्या, अरे यहां पर मीटर गया, सॉरी, फोर
पोल मशीन, और नाउ दिस इज नथिंग बट द इंड्यूस ईएमएफ इज मैक्सिमम वीएलबी, ठीक है चलो पॉजिटिव है। यहां पर मैं बनाता हूं कंडक्टर आपका ये आ जाएगा, 45 डिग्री बाद कंडक्टर ये आ जाएगा। कंडक्टर का मोशन कैसा है? क्लॉकवाइज, तो कंडक्टर का मोशन ये होगा क्लॉकवाइज। हेलो, कंडक्टर का मोशन ये है, इस 45 डिग्री पे फील्ड ये है ना, ये देखो ये फील्ड है, ये ब्लैक वाली फील्ड, ये ऐसे आ रही है फील्ड, तो इस डिग्री इस जगह पे जो फील्ड है वो ऐसे है, दिस इज द फील्ड। क्या दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं? अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। व्हाट इज द इंड्यूस ईएमएफ? ऐसे भी मैंने बताया कि भाई इंटरपोलर एक्सिस में कंडक्टर में इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है? 0 होता है, दिखाने के लिए कि वी और बी दोनों क्या है? पैरेलल है। तो 45 डिग्री पे कंडक्टर किस एक्सेस में पाया जाएगा? इंटरपोलर। 45 डिग्री के बाद कंडक्टर इंटरपोलर एक्सेस में है, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा? 0। इंड्यूस ईएमएफ विल बी 0। 90 डिग्री बाद कंडक्टर कहां जाएगा? हेलो, 90 डिग्री बाद, वैसे तो एक्सियल फील्ड है, 90 डिग्री बाद कंडक्टर फिर से कहां पर आ जाएगा? फिर से आपका डायरेक्ट एक्सेस में रहेगा। दिस इज द पोजिशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है, दिस इज द पोजिशन ऑफ कंडक्टर, ध्यान से देखिएगा। Now, this is the position of conductor. और आप देखें कंडक्टर का मोशन क्या है? क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज, ये आपका क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। अब जब कंडक्टर यहां पर है तो क्लॉकवाइज अगर ये रोटर रोटेट कर रहा है तो ऐसे होगा नीचे की तरफ, इस जगह पे आपका डायरेक्शन कैसी हो गई? दिस इज वी, ठीक है। फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, फील्ड फील्ड देखो यहाँ पर ये फील्ड, फील्ड की डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और आप देखेंगे इस बार एंगल कैसा है बेटा? क्लॉकवाइज है 90 डिग्री, तो निगेटिव इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। ये क्लॉकवाइज एंगल है, क्लॉकवाइज एंगल, ये वी है और ये बी है, डायरेक्ट या फिर पोलर एक्सेस में जो इंड्यूस ईएमएफ होता है मैक्सिमम, लेकिन इस बार बेटा एंगल आपका क्लॉकवाइज निगेटिव, तो दैट इज द निगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ होगा। दिस इज माइनस वी एल बी, दिस इज माइनस वी एल बी, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए 135 डिग्री बाद कंडक्टर फिर से कहां पर आ जाएगा? कंडक्टर फिर से आपका इंटरपोलर। अब मैं आपको केवल बना रहा हूं, कंडक्टर 135 डिग्री बाद कहां पर आ जाएगा? फिर से इंटरपोलर। इंटरपोलर एक्सिस में इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है? 0। इंड्यूस ईएमएफ कितना होता है? 0, दिस इज द 0। फिर 45 डिग्री और मूव करेगा तो फिर से आपका किस एक्सिस में आ जाएगा कंडक्टर? फिर आपका आ जाएगा पोलर एक्सिस में, किस एक्सिस में आ जाएगा? पोलर एक्सिस। Now this is the polar axis. North pole में देखो, North pole के influence में जब conductor था, North pole के influence में आपका कैसा था? Positive induced है। यहाँ फिर से देखिए North pole के influence में कैसा होगा? Positive induced। या फिर आप देख सकते हैं, hello, velocity ये होगी clockwise axis में, velocity में दिखाई दे रहा हूँ तुम लोगों को, ये velocity होगी, this is the velocity। और v क्या है बेटा? ये v है, field आपका ऊपर की तरफ जा रही, field आपकी ऊपर की तरफ जा रही, this is the field। This is your direction of field. और एंगल कैसा होगा बेटा? 90 डिग्री, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज है ना, पॉजिटिव एंगल होगा ये, पॉजिटिव एंगल, तो फिर से पॉजिटिव इंड्यूस ईएमएफ आएगा। मैक्सिमम होगा पोलर एक्सिस के में, मैक्सिमम इंड्यूस होगा लेकिन पॉजिटिव होगा 180 डिग्री पे। फिर आप देखें कंडक्टर कहां पर पाया जाएगा? इंटरपोलर एक्सिस में। कहां पर? इंटरपोलर एक्सिस। इंटरपोलर एक्सिस में इंड्यूस ईएमएफ कितना हो जाएगा? 0 डिग्री विल बी देयर। 225 ना, 180 के बाद क्या आएगा? 225। 225 में वो किस एक्सेस पे होगा? इंटरपोलर एक्सेस पे, दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ 0। फिर उसके बाद साउथ पोल पे आ जाएगा, साउथ पोल, साउथ पोल में निगेटिव इंड्यूस ईएमएफ, पोलर एक्सेस है ना, तो मैक्सिमम होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, दिस इज द निगेटिव, दिस इज द निगेटिव इंड्यूस ईएमएफ। फिर इंटरपोलर एक्सेस में, इंटरपोलर एक्सेस में कितना होगा इंड्यूस ईएमएफ? दिस इज द 0। और फिर उसके बाद पोलर एक्सेस में आ जाएगा, फिर से यहीं पर आ जाएगा, तो दिस इज द मैक्सिमम वीएलबी। तो दिस इज नथिंग बट द, हर एक पॉइंट पे आपने इंड्यूस ईएमएफ निकाला और सारे पॉइंट को मिलाएंगे तो नाउ दिस इज द योर वेवफॉर्म, दिस इज द वेवफॉर्म, दिस इज द वेवफॉर्म। फिर से कॉस की वेवफॉर्म दिखी है, स्टार्टिंग में मैक्सिमम है,
लेकिन इस बार जब फोर पोल की मशीन होगी तो एक कंप्लीट रोटेशन में कितनी साइकिल आपको दिखाई देंगी, कितनी साइकिल दिखाई देंगी, दो साइकिल। एक कंप्लीट रोटेशन में कितनी साइकिल दिखाई देंगी, दो साइकिल। एक साइकिल तो आपको ये दिखी, दिस इज योर वन साइकिल ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड दिस इज अगेन वन साइकिल। तो फोर पोल की मशीन में एक कंप्लीट रोटेशन पे दो साइकिल आपको दिखेंगी, दिस इज अगेन वन साइकिल, ठीक है। अगर आपके पास छह पोल की मशीन होगी तो एक कंप्लीट रोटेशन पे तीन साइकिल आपको दिखेंगे, सेम चीज जो मैंने कल आपको दिखाया था, ठीक है। इसको आप बना सकते हैं। और आज मैंने आपको ये भी दिखा दिया है कि क्यों आपका जो है, आपको फोर पोल की मशीन में आपका दैट इज नथिंग बट द कहां पॉजिटिव होगा, कहां नेगेटिव। क्या किसी को कोई डाउट है? क्या किसी को कोई डाउट है? चलो, वेरी गुड। अब हम लोग अपना इंड्यू अपने फ्रीक्वेंसी का फार्मूला प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलो, इतना बनाइए फोर पोल की मशीन के लिए इंड्यूस ईएमएफ की वेव फॉर्म। दो पोल के लिए एक साइकिल आई थी कंप्लीट रोटेशन में, चार पोल के लिए दो साइकिल आई है, छह पोल के लिए आपका तीन आएगी, तो पी पोल के लिए पी बाई टू साइकिल आएंगे, ठीक है। चलो, मेरे ख्याल से बना लिया होगा। यहां से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, सेम चीज देखिए कि दैट इज, अगर आपके पास दो मोल पोल की मशीन है, फॉर टू पोल मशीन, फॉर टू पोल मशीन, दैट इज नंबर ऑफ साइकिल ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पर रोटेशन, एक रोटेशन में, रोटर के एक रोटेशन के, फील्ड के एक रोटेशन पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की कितनी साइकिल। अगर दो पोल की मशीन है, एक कंप्लीट रोटेशन पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की कितनी साइकिल है, वन साइकिल। वन को लिख सकते हैं पोल डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। फॉर फोर पोल मशीन, फॉर फोर पोल मशीन, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पर रोटेशन। अगर एक कंप्लीट रोटेशन देखा जाए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की कितनी साइकिल आएंगी, अगर आपके पास चार पोल की मशीन है, दो साइकिल आएंगी। इसको लिख सकते हैं फोर बाई टू, पोल डिवाइडेड बाई टू। फॉर सिक्स पोल मशीन, और सिक्स पोल मशीन, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पर रोटेशन। अगर एक कंप्लीट रोटेशन हो सिक्स पोल की मशीन के लिए, तो छह पोल की मशीन के लिए एक कंप्लीट रोटेशन में तीन साइकिल आएंगी, दैट इज सिक्स बाई टू। यहां से आप लिख सकते हैं सो दैट फॉर पी पोल मशीन, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पर रोटेशन, दैट इज इक्वल टू पी बाई टू, पोल डिवाइडेड बाई टू। दिस इज योर फार्मूला। इतनी साइकिल आएंगी पी पोल की मशीन के लिए एक कंप्लीट रोटेशन में। अगर रोटर एक कंप्लीट रोटेशन करेगा
तो इतनी साइकिल आएंगे। मान के चल रहे हैं जो मेरा रोटर है, जैसे जो फील्ड है वो किस स्पीड से रोटेट कर रही है, एन रोटेशन पर मिनट, ठीक है। लेट अस कंसीडर, लेट अस कंसीडर फील्ड विल बी फील्ड विल बी रोटेटेड विद ए स्पीड ऑफ एन रेवोल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में एन रेवोल्यूशन हो रहे हैं, या फिर एक मिनट में आपके एन रोटेशन हो रहे हैं, ठीक है। यहां पर मैं फील्ड का रोटेशन निकाल, जो फील्ड आपकी रोटेट कर रही है ना एंटी क्लॉकवाइज, किस स्पीड से, एन आरपीएम, फील्ड किस स्पीड से रोटेट, आपको फ्रीक्वेंसी निकालें तो साइकिल पर सेकंड चाहिए, तो मिनट में स्पीड होती है। जब भी हम स्पीड रखेंगे ना फॉर्मूले में तो आरपीएम पे रखना है, आरपीएम पे, थोड़ा नीचे कर दें, अगर कुछ छूट जाता है तो लेक्चर में अपलोड करवा देता हूं मॉर्निंग में, आप मॉर्निंग में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां पर बना भी लीजिए जरा, जो फील्ड है वो किस स्पीड से रोटेट कर रही है, पहले वाले फिगर में जाके बना लीजिए, फील्ड किस स्पीड से रोटेट कर रही है, जो फील्ड है ये जो फील्ड है दैट इज स्पीड ऑफ फील्ड इज एन रोटेशन पर मिनट, ठीक है। एन रोटेशन, जब हम इंडक्शन मशीन पढ़ेंगे तो जो फील्ड है वो किस स्पीड से रोटेट, सिंक्रोनस एनएस आ जाएगा यहां पर, अभी हमने एन मान लिया है, ठीक है। कंडक्टर रुका है, फील्ड आपकी जो है एन रोटेशन पर मिनट या फिर एन रेवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड से रोटेट कर रहा है, ठीक है। इसको बना लीजिएगा फिगर में, ये चीज पहले वाले फिगर में इस चीज को लिख लीजिएगा, जो फील्ड है वो आपके एन रोटेशन पर मिनट के हिसाब से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। चल नाउ दिस इज नथिंग बट द, इसका मतलब है कि आपका जो है जो फील्ड है वो एक मिनट में कितने रोटेशन कंप्लीट कर रही है, एन रोटेशन, तो दैट इज वन मिनट, नंबर ऑफ रोटेशन एक मिनट में वन मिनट में कितना रोटेशन, एन रोटेशन, ठीक है। पर लगाना रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में कितने रोटेशन है फील्ड के, दैट इज एन, तो दैट इज एक मिनट का होता है 60 सेकंड में, तो एक सेकंड में कितना रोटेशन लगा रही, इसलिए चूंकि 60 सेकंड में इतना एन रोटेशन, इसलिए एक सेकंड में कितना रोटेशन होगा, कम होगा, तो दैट इज इक्वल टू एन बाई 60 और रोटेशन, तो आप लिख सकते हैं कि एक सेकंड में, हर एक सेकंड में कितना रोटेशन कंप्लीट हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द एन बाई 60, तो नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड, नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड इज इक्वल टू कितना है, एन बाई 60, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो साइकिल्स पर सेकंड आ जाएंगे, दिस इज द इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर टू, इंड्यूस ईएमएफ की साइकिल पर सेकंड, वही आपकी इंड्यूस ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज
नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को मैं गुणा करने जा रहा हूं। तो दैट इज जब आप दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ इंड्यूज ईएमएफ पर रोटेशन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड, दैट इज इक्वल टू पी बाय टू इंटू एन बाय 60। यहां से रोटेशन से रोटेशन कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ की साइकिल है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी आएगी पर सेकंड, दैट इज इक्वल टू पी एन बाई 120 एंड दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आप लिख सकते हैं हेंस कंडक्टर में जो रोटेटिंग मशीन के कंडक्टर में जो ईएमएफ जनरेट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी जो है इस पर डिपेंड है, हेंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रोटेटिंग मशीन इज इक्वल टू पी एन बाई 120। यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट इज पी दिस इज एन माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 120। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, जनरल फार्मूला का लिखना चाहे लो भाई नीचे कर दिया, जहां पर एन किसकी स्पीड है बेटा, फील्ड की स्पीड है, स्पीड ऑफ फील्ड और आपका जीरो क्या था, स्पीड ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर रुका था भाई इस केस में, स्पीड ऑफ कंडक्टर मैं लिख रहा हूं अभी। तो उनकी रिलेटिव स्पीड पे डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव स्पीड अगर आपकी ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, रिलेटिव स्पीड कम होगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की होगी वो क्या होगी, कम होगी। इंडक्शन मशीन में जब आपका रोटर रोटेट करेगा फील्ड भी रोटेट करेगी तो रिलेटिव स्पीड कम होगी तो फ्रीक्वेंसी आपकी कम होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी अलग होगी, स्टेशनरी के केस में रिलेटिव स्पीड अलग होती है फ्रीक्वेंसी अलग, अलग फ्रीक्वेंसी दो फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा आपके इंडक्शन मशीन। जब आपका रोटर रुका हुआ है तब रिलेटिव स्पीड अलग होगी और जब आपका रोटर रोटेट करेगा तो कंडक्टर और फील्ड के बीच में आपका रिलेटिव स्पीड अलग होगी तो फ्रीक्वेंसी अलग होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ की, इक्वेशन वही होगी लेकिन एफ की वैल्यू हम लोग रखेंगे, स्लिप फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है स्लिप फ्रीक्वेंसी। क्या लिख लिया तुम लोगों ने, चलो यहां मैं दिखा देता हूं एन आपका क्या है, एन आपका क्या है बेटा, देखो पहले वाले फिगर में दिखा देता हूं, नाउ एन आपकी जो है फील्ड की स्पीड है और जो आपका रोटर या फिर जो कंडक्टर था वो कैसा था, स्टेशनरी रुका था, उसकी स्पीड जीरो होती, तो रिलेटिव स्पीड क्या है, फील्ड ऑफ द स्पीड माइनस कंडक्टर, दोनों की स्पीड का डिफरेंस दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव स्पीड, तो दोनों की स्पीड का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को यहां पर रखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, फील्ड और कंडक्टर की स्पीड का डिफरेंस चाहिए। ठीक है, फील्ड और कंडक्टर, अगर मान लो कंडक्टर भी रोटेट करा फील्ड भी रोटेट तो उन दोनों की स्पीड का डिफरेंस जितना होगा उतनी, अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, डिफरेंस कम होगा तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी अलग। एन यहां पर क्या रिप्रेजेंट करा, एन रिप्रेजेंट करा स्पीड ऑफ फील्ड, स्पीड ऑफ फील्ड, और जीरो क्या रिप्रेजेंट करा, स्पीड ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर तो रुका था, स्पीड ऑफ कंडक्टर
जिसको हम लिख सकते हैं दिस इज कॉल्ड, जिसको हम बोल सकते हैं दिस डिफरेंस इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड, इसको हम बोलते हैं जनरली रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, और जिसको हम लोग डेल्टा एन से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा एन की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, एन आ रही है, एन माइनस जीरो। ठीक है, तो जनरल फार्मूला याद रखेगा, रोटेटिंग मशीन में जो ईएमएफ इंड्यूज होगा कंडक्टर में, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो नंबर ऑफ पोल पे डिपेंड करेगी, चाहे स्टेटर के दोनों बराबर होते हैं, और फील्ड और आपके कंडक्टर के बीच के रिलेटिव स्पीड पे डिपेंड करती है। और इसमें जो हमें रखना है स्पीड, वो हमेशा किसमें रखना है, ये एन किसमें था, आरपीएम में था, आरपीएम में हमेशा रखेंगे आरपीएम। अगर आरपीएस में रेवोल्यूशन पर सेकंड दी हो तो उसको आरपीएम में बदलेंगे। यहां पर एन किसमें माने माना था, देखो एन किसमें माना था, एन एन आरपीएम में था। तो इस फार्मूले में जो आपको रिलेटिव स्पीड रखनी है ना, एन एन आपका आरपीएम में होगा, जीरो घटा देंगे तो यूनिट आरपीएम ही आएगी। तो रिलेटिव स्पीड की स्पीड हमेशा जो रिलेटिव स्पीड रखेंगे डिफरेंस, वो आरपीएम में रखनी है। ठीक है, मैं तो लिख रहा हूं, हेंस द जनरल फार्मूला, देयरफोर द जनरल फार्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रोटेटिंग मशीन इज इक्वल टू पी डेल्टा एन डिवाइडेड बाई 120 लाइक दिस। ठीक है, वेयर दिस इज द फॉर्मूला, वेयर पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल और डेल्टा एन इज नथिंग बट द रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड मतलब कंडक्टर फील्ड के बीच जो स्पीड का डिफरेंस होगा। क्या रुक गया क्या मेरा वीडियो, क्या रिलेटिव स्पीड बिटवीन बिटवीन द कंडक्टर एंड फील्ड, फील्ड और कंडक्टर बोलिए, फिर कंडक्टर एंड फील्ड बोलिए, बात क्या है, सेम है। चलो फील्ड एंड कंडक्टर, बिटवीन द फील्ड एंड, कल मैंने कंडक्टर एंड फील्ड लिखा था, या फिर फील्ड एंड कंडक्टर, बोथ विल बी सेम एंड कंडक्टर। यूनिट क्या होगी, किसमें रखेंगे हमेशा स्पीड, इसको हमेशा रखना है आरपीएम में, किसमें रखना है आरपीएम, रेवोल्यूशन या फिर रोटेशन पर मिनट में रखेंगे। रिलेटिव स्पीड को हमेशा रोटेशन पर मिनट में रखेंगे, ये फार्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन। क्या हो गया, कैमरा नहीं चल रहा क्या, रुक जाओ जरा, इतना लिखो फिर मैं थोड़ा सा फिर से इसको शेयर करता हूं। देखो अगर आपका जो है फील्ड भी रोटेट करे, यहां पर सुनिएगा, फील्ड भी रोटेट करे और कंडक्टर भी रोटेट करे, तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस आपको रखना है फ्रीक्वेंसी निकालते समय, दोनों की स्पीड का डिफरेंस, उसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, याद रखिएगा। चलो
लिखिए, एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं फिर से शेयर करता हूँ क्योंकि तो मेरा कैमरा जो है चल नहीं रहा है। क्या दिक्कत आ गई कैमरे में? इतनी देर हो गए थे जो है कैमरा फोटो नहीं चल रही थी, फोटो तो आ ही नहीं रही है अब जो है। यू आर नॉट विजिबल। हाँ फोटो नहीं आ रही है, विजिबल नहीं दिख रहा है। कैमरा तो मैंने ओपन करे 5 मिनट से। अच्छा ऐसे ही पढ़ा दे भाई, एक्सप्रेशन नहीं है, आवाज से तुम समझ नहीं पाओगे। एक मिनट जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड लगा के देखते हैं। चलो हेडिंग डालो पहले, जो है हेडिंग डालिए, ईएमएस इक्वेशन इन द अल्टरनेटर और रोटेटिंग मशीन, ये डालो। इंड्यूस्ड ईएमएस, इंड्यूस्ड ईएमएस इक्वेशन इन द और रोटेटिंग मशीन। रोटेटिंग मशीन में इंड्यूस ईएमएस की इक्वेशन। चलिए कैमरे में दिक्कत है, कल इसको स्टार्ट कर लें, जो कल कर लें, क्योंकि तो कैमरा नहीं है तो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा जब मैं जो है फिगर विगर बनाऊंगा, तो इसको मैं कल स्टार्ट कर लूं, कल थोड़ी सी क्लास पहले स्टार्ट कर लूंगा, ठीक है, जैसे आधे घंटे का आज कवर हो जाएगा। ठीक है, कल मैं अपनी क्लास 8:30 बजे रखूंगा,
जैसे कि आज का आधे घंटे हम लोग कल कवर कर लेंगे, ठीक है? चलिए पढ़ के आइएगा जितना पढ़ाया है। जैसी इक्वेशन ट्रांसफॉर्मर में आती थी सेम इक्वेशन यहां भी आएगी, ठीक है? चलो चलिए, थैंक यू वेरी मच।